गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 6 बजे उठी थी क्योंकि आज पूरे दिन करंट नहीं है घर पे। किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आज करंट निकाला है, तो जल्दी से उठ के कपड़े धोए और अब पेड़ों को भी पानी डाल दिया है। आज माध्यम के लिए ने एक टीचिंग एड बनाना है और वो अभी तक नहीं उठाए। मैं उसे उठाती हूँ और टीचिंग एड स्टार्ट करते हैं। बाहर ही बैठ के टीचिंग एड करना पड़ेगा हमें। लाइट जो है ना वो 3 o'clock तक आ जाएगी। फिर मैंने सारे बर्तन भर के रखे हैं। अभी रात को ही आधे भरे थे और सुबह उठ के अभी आधे भरे हैं। तब तक है ना, तब तक मैं करूँगी थोड़ा एडिटिंग, क्योंकि आपके लिए व्लॉग भी डालना है ना, इस वजह से। तो आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11 और हम लोगों ने ना ऑलरेडी टीचिंग एड करने के लिए स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखाती हूँ ना, हमारे साथ चलेंगे टीचिंग एड करने के लिए। सारा सामान ना मैंने टेबल पे फैला के रखा है, आपको दिखाती हूँ। और जिसके लिए टीचिंग एड बना रहे हैं, ये रहा वो इंसान। इसको देखो, इसने कहाँ पे आसन बनाया अपना, वहाँ पे ना ये रखा था, पेपर्स रखा था उसके ऊपर, वो अभी ना आसन बनाने जा रहा है। ये देखो उसका फेस ना टाइगर की तरह दिखता है, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम ना टाइगर रखा है। अभी लो जी, हो गया उसका आसन।
भी चले जाइए जियो की, अभी मोबाइल यूज़ भी नहीं कर सकते, जस्ट आपके साथ बात करने का, मतलब आपके साथ बात कर सकती हूँ और कुछ नहीं। पेंसिल कलर अभी हम इस जैसे वो पेपर निकाले तो इस वजह से ना देखो यहाँ पे आके सोया है, बस खाता है सोता ही है, तो किस तरह से सोया है। और ना जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसका मुंह भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो फाइनली मैंने टाइटल देखो कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लोग इसे चिपकाएंगे और आधा काम सर अपना कर रहा है। ट्वेल्व ओ क्लॉक और हमारा सारा कलरिंग वगैरह हो चुका है, चिपकाना बाकी है। माधव अभी ना चिपका रहा है, मतलब सारा सेट हो चुका है, बस उसे चिपकाना बाकी है तो कर रहा है। अभी तक ना हमारा इतना ही काम ख़त्म हुआ है और जहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं ना यहाँ पे अभी लिखना बाकी है, वो अभी माधव करेगा क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग से ही उसे लिखना है ना, इस वजह से मैं होप कर दूँगी थोड़े से पहले वो लिख के हो जाए और ताकि मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए कैसा दिखेगा वो। तो अभी माधव जल्दी से काम पर लगेगा करने के लिए। अभी ना मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और माधव गया है शावर लेने के लिए, तो फाइनली माधव का टीचिंग एड कम्प्लीट हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसका टीचिंग एड हुआ है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ टीचिंग एड कैसा है, उसका फाइनल लुक उसका कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है उसका टीचिंग एड, ऊपर से देखे हो तो ना कुछ इस तरह से दिखता है उसका टीचिंग एड। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि उसने खुद किया है, मतलब मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी जस्ट कटिंग के लिए, बाकी सब उसने किया है। हाँ, उनको वो प्रेजेंट करना है हायर सेकेंडरी टीचर्स के सामने और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि वो कल फाड़ देगा करके पूरा, वो जो भी करता है पूरी अपनी शिद्दत से करता है, 100% डालता है। इस वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि वो
पार्ट डे का और प्राइज प्रेजेंटेशन से के साथ साथ ना उस टीचिंग एड को प्राइज भी है, मतलब जो भी टीचर अच्छा करेगा ना उसे प्राइज मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कल माध्यम ना प्राइज लेके घर आ जाए उस टीचिंग एड के लिए। उन्होंने ना सही मायने में अगर जज किया ना, मुझे पक्का पता है माध्यम प्राइज लेके आएगा। दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है उस टीचिंग एड की वजह से। अभी हम लोग इसे पैक करेंगे कल, क्योंकि कल हमें ना उसे बाइक पे ही लेके जाना होगा, तो उसको ठीक से पैक करके लेके जाएंगे। आज ना टीचिंग एड करते वक्त ना ऐसे वो पुराने दिन याद आ गए, जब हम बी एड में थी तब हम लोग कैसे टीचिंग एड करते थे। लेसन देने के लिए 2-3 टीचिंग एड करने पड़ते थे, वो याद आ गई। और पुराने मतलब उस टाइम कितना टीचिंग एड करना पड़ता था हमें, और टीचिंग एड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ करना, कलर पेपर कलेक्ट करना, स्टेशनरी से जाके उस स्टेशनरी पे ऐसे डिस्काउंट मांगना कि प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि पॉकेट मनी भी इतनी कम होती थी ना उस टाइम। उस बजट में सब कुछ बैठना था, इस वजह से हम लोग हमेशा डिस्काउंट मांगते थे। तो आज बहुत ज़्यादा याद की। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पेन करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आई तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और ये सब्सक्राइब बटन है ना वो प्रेस कर देना। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।